हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा मैं आज वीडियो के अंदर चश्मा लगाया हूं और हमेशा लगाते रहता हूं, तो जब भी मैं इस फील्ड के अंदर था, रीगर के अंदर, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि क्या रीगर के अंदर चश्मा पहन कर क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर सारा टॉपिक को कवर करूँगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जैसा एक भाई ने कमेंट किया, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्ताफ अली, ये पूछते हैं कि क्या हम चश्मा पहनते हैं तो रीगर के लिए हम एलिजिबल है क्या नहीं। तो मैं इस जवाब को ज़रूरी देने के लिए समझा, तो इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आया ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। कभी भी आप, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी आप मेडिकल करवाने के लिए जाते हैं, जब भी कोई कंपनी के लिए, तो वहाँ पर आपका आँख की जांच की जाती है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों की जांच की जाती है, जैसे ब्लड है और शुगर है, हर चीज़ की चेक किया जाता है, एक्सरे, चेस्ट वगैरह, हर चीज़ को चेक किया जाता है। तो सेम इसी तरीके से आँख को भी चेक किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान के लिए एक आँख ही है, जो सुरक्षित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या रीगर चश्मा पहनता है तो उसको ये काम करना चाहिए या उसके लिए एलिजिबल है क्या नहीं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। जब मैं बाहर में शटडाउन में या कोई ऐसे जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने अक्सर देखा है, जब मैं मैनेजमेंट में रहता हूँ तो एक्चुअली वहाँ पर बात होता है, और ज़्यादातर हमने यही चीज़ देखा है, जो चश्मा पहनता है या गोगल लगाता है, जिसके पास पावर वाले चश्मे हैं, तो उसको नाइट में जॉब नहीं दिया जाता है। बस इतना फ़र्क होता है। ये क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है रीगर में। रीगर डिपार्टमेंट में हम लोग सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखते हैं, उसको नाइट में काम हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि एक कभी इंसिडेंट, कभी एक्सीडेंट होने का जो चांस होता है, वो ज़्यादातर कहीं कहीं कुछ 1% कहीं हुआ होगा। तो इस लेवल से मैनेजमेंट भी इन चीज़ों को अवेयर करता है, इन चीज़ों को मना करता है। अगर आप खुद से बोलेंगे कि मुझे नाइट करना है या मैं नाइट करना चाहता हूं, तो आपको उस नाइट में डाल दिया जाएगा। तो कभी भी आप एक बात को याद रखें, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास जो चश्मा है, मैं अच्छे से नाइट में जॉब कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल चश्मा लगाकर एलिजिबल है। वैसे भी आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि रीगर के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जो फिज़िकली फिट होना चाहिए, जैसे हमारा हाथ, हमारा जो भी हम अंदरूनी जो हमारा जो चेस्ट है, जो लंग्स है, जो भी हमारा फिज़िकली अंदर से फिट होना चाहिए, पैर वगैरह सब कुछ हमारा अंदर से बिल्कुल फिट होना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि जैसे हम कतर, दुबई, ओमान, सऊदी या दूसरे कंट्री में जब हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी मेडिकल किया जाता है। मेडिकल इसलिए किया जाता है कि आपको एक फिज़िकली फिट देखा जाए। और आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े प्लांट के अंदर भी इसी तरीके से मेडिकल किया जाता है। घूम फिर का यही एक बात है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं नाइट में जॉब करूं, या कभी आप इस तरीके से, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है नाइट में काम करने से, तो उस चश्मे की वजह से आप नाइट में जॉब ना करें। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो का जो मतलब है, जैसा एक भाई ने कमेंट किया कि क्या हम एलिजिबल है क्या नहीं, तो देखिए कभी भी हम एलिजिबल तो है हमेशा। जो हमारा जो शर्त है, जैसा मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर में बताया कि रीगर को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है एक फिज़िकल फिट होने के लिए, तो आप उस वीडियो को देखें, या तो मैं कमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूँगा वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप आप हमेशा आप एलिजिबल रहेंगे, चश्मे वाले या कोई भी है तो वहाँ से आप एलिजिबल रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।